राधे राधे। तो आज का जो DIY है वो अगेन नो कॉस्ट DIY है, पूरी तरीके से नो कॉस्ट DIY है। तो इसके लिए जो मैंने यूज़ किया है वो है ये मिठाई के डिब्बे जो नॉर्मली हमारे पास पड़े होते हैं, तो मैंने इसको काफ़ी दिनों से स्टोर किया था। सीरियसली बोलो तो दिवाली का स्टोर है ये। तो ये मिठाई के डिब्बे जो है इनका यूज़ करके, उसके अलावा जैसे हमारी फाइल्स होती हैं जो पुरानी पड़ी होती है, मेरे पास तो काफ़ी सारी फाइल्स थी, उन फाइल्स का यूज़ करके, जैसे ये फाइल्स मेरे पास थी, तो ये फाइल जो होती है ना इनका यूज़ करके हम बनाएंगे नो कॉस्ट DIY। ये दोनों DIYs बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें से एक मैंने हैंग कर रखा है जो मैंने निकाला नहीं है, और दूसरा है घी। ये नॉर्मली हम लोग बेसिकली क्या होता है ना कि आइसक्रीम स्टिक वगैरह से बनाते हैं, बट आइसक्रीम ये जो मिठाई के डिब्बे से मैंने बनाया है जैसे ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है नॉर्मली, और बिल्कुल पैसा बिल्कुल खर्च नहीं हुआ है। तो देख लो कि कितना खूबसूरत सा बना आपको कैसे भी। अब अगर आप चाहें तो इसको और बड़ा भी बना सकते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 का बनाया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कुछ नए सजेशन आपके पास तो मेरे साथ जरूर शेयर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट DIY के लिए मैं ले रही हूँ मिठाई का डिब्बा, जैसे कि मैंने दिखाया मैंने 2 DIY के लिए 2 अलग अलग चीज़ें ली हैं, और दोनों ही कार्डबोर्ड है, तो मिठाई के डिब्बे पड़े हुए थे क्योंकि एक इक्वल शेप में मेरे पास काफ़ी मिठाई के डिब्बे थे। कभी भी होता है ना कि आपके पास एक ही तरीके की मिठाई के डिब्बे काफ़ी सारे आ जाते हैं, तो मैंने सबको रख रखा था। मोस्टली तो मैं झरोखा बनाना चाह रही थी, तो झरोखा तो मैंने वैसे भी काफ़ी बना लिया था, तो मैं सोचा कि इस बार इसका रीयूज़ करते हैं किसी दूसरे तरीके से। तो इन मिठाई के डिब्बों का मैंने इक्वल पार्ट में इस तरीके से इसको कट कर लिया है, ये कट हो गए हैं मेरे क्योंकि काफ़ी मिठाई के डिब्बे थे, तो मैंने सबको कट कर लिया है। उसके बाद इनमें क्या करूँगी, 2 यानी 2 पार्ट को एक साथ यानी कि पेस्ट कर दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा क्या होता है ना कि स्ट्रांग हो जाए। जो चीज़ हम बना रहे हैं उसके लिए स्ट्रांगनेस काफ़ी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। अगर आपको इससे भी तसल्ली नहीं मिल रही है तो आप इसकी जगह 2 से की जगह 3 भी चिपका सकते हैं, बट मैं 2 क्योंकि मिठाई का डिब्बा था तो ये काफ़ी मजबूत था, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही चिपकाए। कभी कभी होता है ना कि थोड़ा सा हल्का होता है तो आपको 2 से जगह 3 जरूरत हो जाती है, तो इसको चिपकाने के बाद इसको या फिर किसी के नीचे दबा के रख दीजिए कुछ देर के लिए, या फिर क्योंकि कभी कभी होता है ना कि ढंग से चिपकता नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए यानी इसको किसी के नीचे दबा दीजिए थोड़ी देर, तो ये सूख जाए और अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद हम करेंगे इस पर कलर, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर इस पर कर लीजिए, क्योंकि मुझे इस तरीके से इसको पैटर्न क्रिएट करना था यानी कि एक स्क्वायर शेप में, तो इस वजह से मैंने इस तरह, या फिर आप चिपका के कलर करिए या कलर करके चिपकाइए। तो मैंने पहले इनको चिपका लिया है, कुछ देर चिपका के इसको रख दूंगी। अगेन आपके पास कुछ मोटा डिब्बा हो या फिर नॉर्मली हम स्टोन आर्ट करते हैं तो स्टोन भी मेरे पास काफ़ी मेरा टेबल पड़े रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ इसके ऊपर स्टोन रख देती हूँ, और इसको रखने के बाद इसको कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि ग्लू चिपकने में आप हॉट ग्लू लेकिन यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पेपर वगैरह में होता क्या है कि हॉट ग्लू यूज़ करने से हमारा सर्फेस जो होता है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है, नहीं एक तरीके से रहता नहीं है, ऊंचा नीचा ही हो जाता है, तो इस वजह से मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो हॉट ग्लू यूज़ कर सकते हैं बट मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। उसके बाद ये जब कुछ देर के लिए ड्राई हो गया, उसके बाद मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें कलर यूज़ कर रही हूँ, आप ब्लैक भी कर सकते हो, ये मैं ब्लू का यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली हम ये सब चीज़ें आइसक्रीम स्टिक से बनाते हैं, बट मुझे इसको है ना थोड़ा सा बड़ा चाहिए था और ज़्यादा भी नहीं। फिर उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से इसको फिर से अगेन पेस्ट कर दूंगी और एक सिक्योर कर दूंगी। अगेन मैं ग्लू का ही यूज़ कर रही हूँ। आपको लग रहा है ये टाइम ले रहा है, तो टाइम तो लेगा थोड़ा सा, क्योंकि ग्लू को ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद बीच के लिए मैंने अगेन एक कार्डबोर्ड ले लिया है। उसके बाद ये पेपर था मेरे पास कुछ अच्छा सा, आपके पास भी नॉर्मल पेपर आप चाहे तो नॉर्मल डेकोपास पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास ये पेपर था। उसके बाद मैंने इसको बीच में इस तरीके से लगा दिया है, और ये एक तरीके से अब देखिए यहीं पर देखिए कि कैसे ये निकल गया है, तो इस तरीके का एक सर्फेस क्रिएट हो गया। दूसरी DIY के लिए मैं ले रही हूँ, मेरी फाइल थी पुरानी काफ़ी ज़्यादा, तो 2-3 फाइल्स पड़ी थी अगेन, तो मैं फाइल को ले रही हूँ और उसके बाद इसको एक लाइन में कट कर रही हूँ एक तरीके से, क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा और बड़ा बनाना था। जो मैं बना रही हूँ आप कार्डबोर्ड की जगह आइसक्रीम स्टिक से भी बना सकते हैं, बट मैं ये बना रही हूँ नो कॉस्ट DIY, इस वजह से मैंने इसमें ये फाइल्स का मिठाई के डिब्बे का यूज़ किया है। आइसक्रीम स्टिक हम मार्केट से खरीदेंगे तो उसमें कुछ पैसा लगेगा, तो ये मेरा है नो कॉस्ट DIY, इस वजह से मैंने फाइल के बेच लिया है। आप उसको छोटा बड़ा जिस साइज़ में भी कट करना है कट करके उसको इस तरीके से चिपका लीजिए। 2 यहाँ पर मुझे ज़रूरत हुई थी 3 चिपकाने की, क्योंकि थोड़ा सा फाइल के पेज जो फाइल था ये थोड़ी पतली थी, तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। उसके बाद मैं इस पर कर रही हूँ कलर। ओ शेप के लिए भी मैंने फाइल का यूज़ किया है, वो दूसरी फाइल थी, ओ शेप भी मैं यानी सर्कुलर शेप में कट करके अब इसमें मैं कलर कर दूंगी। आप चाहे तो पहले से जैसे मैंने पुराने वाले में किया है चिपकाने के बाद कलर किया है, बट दिस टाइम मैं कलर पहले कर रही हूँ, सब में मैंने कलर कर लिया है। उसको कलर होने के बाद कुछ देर ड्राई होने दूंगी, क्योंकि कलर होने के बाद ड्राई होने देने से थोड़ा सा ये होता है ना कि चीज़ें चिपकाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कभी कभी क्या होता है ना कि ग्लू लगाने से वो कलर निकल जाता है, तो ये इस वाले में मेरे साथ यही दिक्कत आई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा पहले वाले की तरह अगर मैंने इसको पहले से कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। उसके बाद मुझे जो शेप बनाना था मैं उस शेप में बना के इसको सिक्योर कर रही हूँ। होम का शेप दिया है मैंने, होम बनाया है HOME ये शेप दिया है, तो ये कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग अपने रूम में हैंग कर सकते हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको हैंग कर रही हूँ, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत सा लग रहा है अगर आप देख रहे होंगे तो। आई होप आपको ये वीडियो मजा आई होगी, नो कॉस्ट DIY मजा आई होगी। वॉल पे हैंग करके भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये रहा इसका फाइनल लुक।